नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की में पुलिस हेडक्वार्टर के पास कार बम धमाका, एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोगों की मौत, 64 घायल। कुर्दिश विद्रोहियों पर जताई जा रही है हमले की आशंका। सार्क सम्मेलन के लिए पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा सम्मेलन। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहा है तनाव। बलूचिस्तान, कराची, जर्मनी समेत विश्व के कई देशों में मनाया गया नवाब बलूचिस्तान के नेता अकबर बुख्ती का शहादत दिवस। बलूच कार्यकर्ताओं और बच्चों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने और एक अलग देश बनाने के लिए बुख्ती कर रहे थे संघर्ष। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की हत्या की कोशिश नाकाम, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। चेक गणराज्य की राजधानी पैरागवे में हथियारबंद व्यक्ति मर्केल के काफिले में घुसने की कर रहा था कोशिश। फ्रांस की अदालत ने बुर्किनी पर लगी रोक हटाई, इसे व्यक्तिगत आजादी और धर्म मानने का मूलभूत अधिकार बताया। फ्रांस के करीब 10 शहरों ने बुर्किनी पर लगाई थी रोक। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में ग्रेनेड हमला, 2 लोगों की मौत, कई घायल। अलशबाब आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।